हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा तीसरा दिन है शिमला में, और मेरी सुबह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए हम जल्दी नहीं जा पाए, थोड़ा लेट हो गए आज भी। बाकी अभी मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली और सब तैयार है चलने के लिए। आज हम जा रहे हैं कुफरी, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। राम राम भैया। राम राम जी। तो कुफरी जाते टाइम सबसे पहले लोकेशन आई ग्रीन वैली, जो कि शिमला की सबसे हरी भरी घाटी है। तो आज हमारी ट्रिप का तीसरा दिन है, और जो तीसरे दिन का जो सबसे पहली जगह जो हम देख रहे हैं वो है ये ग्रीन वैली। काफ़ी अच्छी है, देखने में सुंदर है, चारों तरफ ना पेड़ ही पेड़ हैं, इसमें एक जैसे से पेड़ है और सारे। और यहाँ पे ना 10 मिनट से ज़्यादा रुकने नहीं देते, भीड़ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज था हिप हिप हुर्रे, जो कि एक एडवेंचर स्पोर्ट था, लेकिन हमें यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करनी थी, जो कि हमारा बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि कुफरी में सेम एक्टिविटीज़ हॉर्स राइड के बाद अवेलेबल थी। तो चलिए इसे स्किप करके आगे मेन लोकेशन पे चलते हैं। इसके बाद हम हॉर्स राइड पॉइंट पे पहुंचे, जो कि बहुत ड्रावनी और खतरनाक, जिसकी फुल वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरे भाई प्लीज यार, तुम मेरे को उतार दे। ये देखिए रे भाई, हो गए मोड़ो। ओ भाई, ओ भाई, आराम से। ओ मैं मत मार भाई, बस धीरे 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 चलो, जरूर धीरे चलो, बस बस बस, गति पकड़ दो ना। भाई मैंने ना जाना यार, तेज भाई मैंने तेज में लेट बजा दे यार, सुन तू। रुक जा, जीती मार दे हमने, तू जल्दी ना जाना। बस ओ ओ बचा मत रे। ओ भाई मारा गया, ई मारा गया, ई मारा गया। तो ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे ये हाथ में पोशाक लिए अंकल दिखे, तो मैंने भी ये हिमाचली पोशाक ट्राई की। ट्रेडिशनल ड्रेस है क्या? हिमाचली कॉस्ट्यूम है, कपड़े के ऊपर से पहना जाता है, अंदर से कपड़ा पहनते हैं, मुताबिक शादी ब्याह में, फंक्शन में, बाकी गांव में पहनते हैं। अच्छा अच्छा। और पता नहीं इसे पहन के कुछ समय के लिए मैं भी हिमाचली हो गई। हाँ एकदम गुड़िया लग रही है। ये अभी नीचे आए तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ट्राई करूँ, तो मैंने ये हिमाचली कॉस्ट्यूम पहन रखा है। किसी ने अभी तारीफ भी कर दी थी। हाँ एक जा रही थी एक दीदी, उन्होंने मेरे को बोला कि आप बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही हो। इसके बाद मैं इन याक पर बैठी, क्योंकि ऑब्वियसली एक फोटो तो याक पर भी होनी ही थी। यहाँ पर आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्टोर्स वगैरह लगी हुई है। फिर यहाँ पर हमें गाड़ी मिली, जो हमें आगे एप्पल गार्डन और एडवेंचर स्पॉट पर लेके गई। अपने चारों तरफ एप्पल्स देखकर मन कर रहा था यार तोड़ कर खा जाऊं, लेकिन 500 रुपये जुर्माना था। इसके बाद आते हैं एक्टिविटीज़ पे, जिसमें सबसे पहले थी जिप लाइन। तो हमने जिप लाइन ट्राई की। छोड़ना भाई साहब, ठीक है बैठो, पैर ऊपर करना, टांगे पीछे छोड़ दो, और जाओ मैडम। ये देखो ध्यान से टाइट है ना, लास्ट में तो मारे दिया था भाई। कैसा लगा था? मस्त, मजे आए। ऐसे लगता है कि हाँ अब तो जाके लगोगे तुम वहाँ पे। सबसे ज्यादा मजा पता है कहाँ आया था? यहाँ ये जो गड्ढा सा था ना, यहाँ की जिपलाइन ज्यादा डेंजरस नहीं थी, तो मम्मी ने भी जिपलाइन को ट्राई किया। चलो भाई छोड़ना नहीं, ठीक है? हाँ बिल्कुल नहीं, पीछे देख, राइट सिट डाउन।
नहीं लगा ना डर? नहीं लगा भाई, दस लग गई थी देर में पहुंच लिया। सही रहा ना एक्सपीरियंस। और कुछ गर्ल्स जो कि जिपलाइन को लेकर डरी हुई थी, वो हमारी मम्मी को देखकर उनमें भी हिम्मत आ गई। तो मुझे तो मम्मी का वो है, मम्मी आपको कैसे लगा? इसके बाद मैंने और मम्मी ने लैडर वॉक की, जिसमें भी मम्मी ने ही बाजी मारी। मेरे को पीछे छोड़ के और जल्दी जल्दी आगे आ गई। मेरा तो वही सेम, डर गई थी मैं तो। शाबाश मम्मी, शाबाश। पकड़ के उसके लटकानी चाहती है मैंने, जिसको पकड़ के जाती ना उसके लटकानी। डर लगता है इस पे भी? डर लग जाना मम्मी की तो। मैं क्या कहूँ, भाग ली रास्ता, भाग ली सड़क पे, भाग रही हो और भाग ली। सही कहते ना, बोले कि मैं तेरे पीछे हूं ना, इसलिए मेरे पार ना बसा रही, तेरा ताके ना जा रही, उल्टा मुड़ांगा ना जब मैं तेरे ताके निकल लूंगी भाई। बात आज मैंने दिल से ही मान लिया है कि हर तरह से मेरे से स्ट्रांग, मेरे से हिम्मत वाली आजा आजा ही है। ये आगे थी भाई, तो जल्दी चली जाती हूं मम्मी। आजा आजा आराम से आगे, बीच में जाके पता चलेगा तेरे को बंदर हसले, बीच में आते उल्टो आ जाइए। इसके बाद प्रवेश का मन था रोप वॉक करने का, तो उसने भी सिंगल रोप वॉक की। हाँ जी, इट वाज क्वाइट गुड, डर नहीं लगा। इसके बाद एक ऐसी एक्टिविटी जो मम्मी मुझसे करवाना चाहती थी लेकिन मेरी करने की हिम्मत नहीं थी, और वो की प्रवीण जी ने, जिसको देखकर मम्मी बहुत खुश हुई। शाबाश शाबाश शाबाश, आजा बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। कैसा? गुड। ज्यादा टाइम जोर पड़ा, मेहनत थी, जोर जरूर उसने पड़ा। इजी? हां इजी था, लेकिन मजा भी नहीं आया। और एक ये लास्ट एक्टिविटी जिसको कोई नहीं कर पा रहा था। ना ना ना, सही है सही है सही है सही है। शाबाश, बस इवन ऊपर से पकड़ ले, सीट इन बीच से पकड़ ले। हां हां अच्छा भाई, आप एक बार चढ़ के दिखा दो। अभी आपने कहा ना चढ़ने आना चाहिए। हाँ एक बार चढ़ के दिखा दो। अरे यार ये तो हमने उन भैया को ही बोला कि आप ही करके दिखाओ, ये होती भी है या नहीं। अरे वाह, तो भैया ने कर दिखाया। देखा ऐसे चढ़ते हैं। मान गया यार सच में, लेकिन मेरे से तो फिर भी नहीं हुई। लेकिन हाँ, परवीन जी और परवेश ने कर दिखाई। लेट जाओ, तू नहीं बताता ना तो शायद हम ना भी कर पाते। तो ऑब्वियसली इतनी एक्टिविटीज के बाद भूख तो लगनी ही थी,
तो यहाँ ठंड के मौसम में हमने चाय पी और मैगी खाई। तो चलो इस वीडियो को यहीं चाय के साथ एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के प्लान के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।